दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनोज कुमार। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स या कहें समानांतर दुनिया, यह एक अद्भुत सोच है। यह सोच संभावना पर बनी हुई है। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है कि हमारी दुनिया के कई प्रतिरूप है, जिसमें हर चीज, हर शख्स और हर जानवर जो पृथ्वी पे है वो पैरेलल यूनिवर्स में वैसा ही होगा, लेकिन उनका काम अलग होगा। आप अपने जीवन में जितनी भी संभावना बनाते हैं, वह सभी संभावना कहीं ना कहीं घटित हो रही है। दोस्तों, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इस दुनिया में एक आम इंसान है जिसकी जिंदगी नौकरी परेशानी में गुजर रही है, वही दूसरी दुनिया पैरेलल यूनिवर्स में आप एक नामी यानी कि पॉपुलर व्यक्ति हो जिसकी जिंदगी बहुत आराम से चल रही है, और तीसरी दुनिया है जहाँ आप अभी पैदा हुए हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में जब लोगों ने पैरेलल यूनिवर्स को महसूस किया और उनके होने का दावा किया। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नंबर एक, टोरेड मैन की। दोस्तों, यह कहानी 1954 की है, जब टोक्यो एयरपोर्ट पर एक आदमी को रोक लिया गया तो वो कुछ नर्वस था, जिस वजह से कस्टम ऑफिसर्स को उस पर शक हुआ और उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। उस व्यक्ति की मातृभाषा फ्रेंच थी, लेकिन वो फरांटेदार जैपनीज बोल रहा था। जब ऑफिसर ने पूछा कि तुम कहां से आए हो, तो उसने जवाब दिया टोरेड, जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। जब ऑफिसर्स ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि टोरेड फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित हजारों साल पुरानी कंट्री है। कस्टम ऑफिसर उसे साथ ले गए और उसने कहा ऐसी कोई कंट्री नहीं है। दोस्तों, ऑफिसर्स ने उसका पासपोर्ट देखा तो जो बिल्कुल वैलिड लग रहा था, उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि हमें मैप पर वो जगह दिखाओ, और जब उसने मैप देखा तो वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं थी। उसने एंडोस कंट्री पर उंगली रखी और बताया कि मेरा देश यहाँ है। उस समय ऑफिसर्स के साथ वो आदमी भी बहुत कंफ्यूज था। दोस्तों, पुलिस ने बाकी पूछताछ सुबह करने के लिए उसे होटल में रूम दे दिया और बाहर पुलिस ऑफिसर्स को तैनात कर दिया। सुबह जब कमरे का दरवाजा खुला तो वो आदमी गायब हो चुका था और उसका कोई नामोनिशान मौजूद नहीं था। वो एक ऊंची बिल्डिंग में था जहां से कूदकर भाग पाना भी नामुमकिन था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस आदमी की चेकबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी लोकल रूम से गायब हो चुके थे। दोस्तों, इस कहानी के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ कई सवालों के साथ। अगर आपको जवाब मालूम हो तो कमेंट्स जरूर करें। दोस्तों, बात करते हैं नंबर दो, मिसिंग बॉयफ्रेंड की। दोस्तों, यह कहानी मैड्रिड में रहने वाली एक महिला लेनिया बर्सिया की है। हर सुबह की तरह वह अपने अपार्टमेंट में उठी और उसे कुछ अलग लगने लगा। वह जगह वही थी जहां वो रहा करती थी, लेकिन उस जगह की कई चीजें ऐसी नहीं थी जैसे पहले हुआ करती थी। जब तक वह कुछ समझ पाती, उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड कहीं चला गया। उसने फोन करने के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन वहां उसके बॉयफ्रेंड का नंबर भी गायब था। उसने घबराते हुए अपने दोस्तों से उसके बारे में पूछा और उसके दोस्तों को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, जिसके बाद उसने पुलिस में अपने बॉयफ्रेंड के लापता होने की रिपोर्ट की। बाद में पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि रिकॉर्ड में इस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। उसे एक साइकेट्रिस्ट ने कहा कि वह स्ट्रेस की वजह से पागल हो गई है, लेकिन लेनिया ने इस बात से इनकार कर दिया। और बाद में उसने अपने परिवार से इस बारे में बात की और उन्होंने भी वही कहा कि वह एक ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते। बाद में उसने अपनी बहन के कंधे के ऑपरेशन के बारे में पूछा तो उसके परिवार वालों ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब वो अपने ऑफिस पहुंची और वह कंपनी सेम कंपनी थी जहां वह काम किया करती थी, लेकिन उसका डिपार्टमेंट बदल चुका था। उसने अपने सुपरवाइजर को देखा जिससे वह पहले कभी नहीं मिली थी। दोस्तों, लेनिया बहुत घबरा रही थी। सुपरवाइजर ने उससे कहा कि तुम बीमार हो और तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, जिसके बाद लोगों ने लेनिया को मानसिक रोगी का करार दे दिया। दोस्तों, इससे पहले उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था और अभी तक जो भी लेनिया के साथ हुआ वह एक रहस्य है। और उसका मानना था कि वह अपने यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में आ चुकी है जहां सब कुछ अलग है। दोस्तों, लेनिया का बॉयफ्रेंड, उसकी सिस्टर के कंधे का ऑपरेशन, उसका अलग डिपार्टमेंट में चले जाना, ये क्या महाइतफाक था? इसके पीछे पैरेलल यूनिवर्स जैसा कोई रहस्य था? दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, बात करते हैं नंबर तीन, कैरोल चेस मैकलेनी की। दोस्तों, यह बात है मार्च 2006 की, जब कैरोल चेस अपने कुत्ते को शीप डॉग ट्रायल के लिए सैन बर्निडियो से कैलिफोर्निया ले जा रही थी। रास्ते में उसने रिवर साइड जाने का फैसला लिया जहां उसकी फैमिली सालों से रहा करती थी और उसके ग्रैंड पेरेंट्स को भी वहां एक कब्रिस्तान में दफनाया गया था।
जैसे ही उसने वहां जाने का निर्णय लिया तो उसे अचानक सिगरेट के धुएं की स्मेल आने लगी और उसे अपने दादा का आभास होने लगा। जब उसने अपने दादा को देखा था तब वह एक छोटी बच्ची थी। यह सब बहुत अजीब हो रहा था। जब वो सीप डॉग ट्रायल से रिवर साइड की तरफ वापस चलने लगी तो उसे बहुत कुछ अलग लगा। वह कब्रिस्तान जहां उसके ग्रैंडपेरेंट्स को दफनाया गया था अब वो घनी घासों का मैदान बन चुका था और उसे वह घर कहीं दिखाई नहीं दिया जहां वो बचपन से रहा करती थी। वहां उसके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था, साथ ही वहां के सभी घर बहुत अलग थे। लेकिन उनके नंबर अभी भी वही थे और उस टाउन को जाने वाला रोड भी अलग था। जिसके बाद कैरोल ने रिवर साइड से अपनी कार घुमाई और वह समझ चुकी थी कि वह पैरेलल यूनिवर्स में जा चुकी है। कुछ साल बाद कैरोल के पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें रिवर साइड के उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। दोस्तों, कैरोल जब वहां पहुंची तो उसे वही टाउन दिखा दिया जो बचपन में उसने देखा था और सभी चीजें पहले जैसी हो चुकी थी। इस घटना के बाद उसने कभी उस पैरेलल यूनिवर्स टाउन को नहीं देखा। दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी घटनाएं जब लोगों ने पैरेलल यूनिवर्स को महसूस किया। दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।